जैन साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पूरे लोकसभा के चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक एक रैलियों में, सभाओं में देश की जनता को जागरूक किया और यही कारण था कि बीजेपी 240 पे रुक गई। 400 तो छोड़िए, अगर 300 भी आ जाता तो आज भारत का संविधान खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो जाती। आपने इनको 240 पर रोका, लेकिन बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इनका एकमात्र मकसद है आरक्षण को खत्म करना। सफाई कर्मियों का आरक्षण आउटसोर्सिंग करके खत्म कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी अलग अलग जगहों पे आउटसोर्स करके सरकारी जो नौकरियां मिलती थी खत्म कर दिया। चपरासी की नौकरी, क्लास 3 की नौकरी, क्लास 4 की नौकरी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के नाम पे खत्म कर दिया। एक सबसे बड़ी नौकरी थी जिसमें दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी होती थी, उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। आईएएस का आरक्षण खत्म, लैटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, ये मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लैटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। ये गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। 63 आईएएस बगैर आरक्षण के भर्ती किए गए। किस आधार पर भर्ती किए गए? अभी 45 आईएएस की भर्ती और करने के लिए, लेटरल एंट्री के जरिए करने के लिए, पिछले दरवाजे से करने के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला। किस आधार पे आपने निकाला? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते? आप भारत की आरक्षण व्यवस्था को नहीं मानते? आप देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहते हैं? तो इसलिए जरूरी है जागना, देश को जगाना। आज मजबूरी में आप सब ने इतना हल्ला मचाया तो मजबूरी में अभी ये पता चल रहा है कि फौरी तौर पे लैटरल एंट्री करने का आदेश रद्द किया जा रहा है। लेकिन सावधान रहिएगा, मकसद है आरक्षण को खत्म करना। और एक एक चीज का हिसाब मांगिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? 18,000 से 20,000 पिछड़े वर्ग के लोगों की नौकरी मारी गई, जिसमें अब राहत मिली कोर्ट से। क्या हुआ विश्वविद्यालयों के मामले में? देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80% 90% एससी एसटी ओबीसी के और यहां तक कि फिजिकली हैंडीकैप लोगों के आरक्षण के हक मारे गए हैं, वो पद खाली पड़े हुए हैं। तो इसलिए जागिए, लोगों को जगाइए, भाजपा से देश को मुक्त कराइए। जब तक बीजेपी रहेगी, आरक्षण और संविधान खत्म करने का खतरा बरकरार रहेगा।